ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में, जो कि अभी करंट में काफ़ी चर्चा में है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। और इसकी पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, और फिर इसके बारे के में डिस्कस करेंगे इसके प्रावधान क्या है, और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इसको अगर हटाया जाए तो कैसे हटाने के क्या प्रावधान है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 370 जो अनुच्छेद 370 है उसकी क्या हिस्ट्री है। तो 1948 में शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। पहले क्या है, जो राज्य के पीएम बनाए जाते, प्रधानमंत्री बनाए जाते, तो इसके बाद नेहरू एवं शेख अब्दुल्ला के पूर्वगामी समझौते के अनुरूप जेएंडके को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के पूर्वगामी समझौते थे, तो उसके तहत नेहरू और शेख अब्दुल्ला के पूर्वगामी समझौते के तहत जेएंडके को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू। इस प्रक्रिया में भारत के संविधान के भाग 21, तो संविधान का कौन से भाग है, भाग 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 370 को जोड़ा जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष उपबंध होंगे जो कि पूर्ण रूप से अस्थायी होंगे। ये अस्थायी होंगे उपबंध। अनुच्छेद 370 के भीमराव अम्बेडकर पूर्णतया खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस प्रकार से भारत की एकता अखंडता को खतरा हो सकता है। तो जो आर्टिकल 370 था उसके भीमराव अम्बेडकर साहब खिलाफ थे, परंतु जो शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य जो समझौता था उसकी वजह से ये लागू हुआ था। अम्बेडकर के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल और हसरत मोहनी भी इसके खिलाफ थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की जिद के चलते भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष शक्तियां दे दी गई। इसको ड्राफ्ट करने का कार्य जीएस अयंगर महोदय ने किया था। इसके प्रमुख प्रावधान, तो पहले हमने डिस्कस कर लिया हिस्ट्री क्या थी। तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि 1948 में जो शेख अब्दुल्ला जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएंडके बने थे, उनके और नेहरू के मध्य समझौते के तहत इसको लागू किया गया। इसके भीमराव अम्बेडकर और वल्लभ भाई पटेल और हसरत मोहनी साहब खिलाफ थे, लेकिन इसको लागू किया गया। इसके ड्राफ्ट करने का कार्य जीएस अयंगर महोदय ने किया। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे, संसद का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में तभी लागू होगा जब जम्मू कश्मीर विधानसभा उस कानून को लागू करने की अनुमति देगी। तो जो संसद का कोई भी कानून अगर संसद पारित करती है तो उसको लागू करने से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा से उसको पारित करना होगा। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, तो संविधान भी अलग होगा, कश्मीर का झंडा अलग होगा। संविधान के अनुच्छेद 238 के उपबंध जेएंडके पर लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 के उपबंध जेएंडके राज्य पर लागू होंगे। इसके अलावा एक भी अनुच्छेद जेएंडके राज्य पर लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 जेएंडके पर लागू होंगे, और बाकी कोई भी आर्टिकल जेएंडके पर लागू नहीं होंगे। तो इस तरह हमने इसके प्रावधान देखे। प्रावधान में पहला प्रावधान यह था कि संसद का कोई भी कानून अगर जेएंडके में लागू करना तो उसको जेएंडके विधानसभा से उसको कानून को लागू करने की अनुमति होगी, और जेएंडके का संविधान अलग से बनाया गया, इसका झंडा अलग होगा। आर्टिकल 238 के उपबंध जेएंडके पर लागू नहीं होते। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 जो है वो जेएंडके राज्य पर लागू होंगे। 17 नवंबर 1952 को धारा 370 लागू होने के बाद जेएंडके का संविधान बनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा लागू किया गया, जो आज भी परिवर्तन में है और जो अभी भी परिवर्तन में है। भारतीय संसद केवल रक्षा, संचार और विदेश संबंधित मामलों को अपने पास रख सकता है, बाकी सारे कानून जेएंडके की विधानसभा के पास है। यहाँ तक कि धारा 370 समाप्त करने का अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब कश्मीर विधानसभा उसकी सहमति देगी। इसको हटाने का प्रावधान आर्टिकल 370 के 3 में है। अनुच्छेद 370 कहता है कि राष्ट्रपति लोक अधिशेषना द्वारा घोषणा कर सकेगा। ये अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा और ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित ही और ऐसी तारीख से प्रवर्तन में रहेगा जो वह निर्दिष्ट करेगा। मतलब राष्ट्रपति इसको हटाने की घोषणा कर सकता है लोक अधिसूचना द्वारा, और कौन सा अनुच्छेद इसकी जगह लागू होगा और क्या रहेगा इसके बारे में राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा बता सकता है। तो राष्ट्रपति बताएगा कि 370 हट गया और अब कौन कौन से आर्टिकल्स रहेंगे और क्या क्या इसमें प्रावधान रहेंगे, परंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले जेएंडके राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी। तो अभी जेएंडके की जो संविधान सभा वो तो अस्तित्व में नहीं है, पर पहले यह था कि संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी। तो सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान को अनुच्छेद 373 व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की
संघीय कैबिनेट की मतलब लोकसभा की संघीय कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बाद एक लोक अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 को हटा सकता, लेकिन इस अधिसूचना को निकालने से पहले राष्ट्रपति को J&K की संविधान सभा की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तो अब संविधान सभा के लिए जगह क्या आएगा इसके बारे में डिस्कस करना रहेगा। चूंकि वर्ष 1957 में J&K की संविधान सभा स्थायी रूप से समाप्त हो गई, अभी संविधान सभा स्थायित्व में नहीं है, ऐसे में राष्ट्रपति को ऐसी किसी लोक अधिसूचना को निकालने से पहले किसकी अनुमति लेनी होगी? क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा को संविधान सभा के समान दर्जा हासिल है? मतलब जो J&K की जो संविधान सभा है वो हट गई है 1957 में, जो टर्मिनेट हो गई, उसकी जगह अभी विधानसभा है। क्या विधानसभा को संविधान सभा के बराबर दर्जा है या नहीं है? इस संबंध में क्या प्रावधान है? इन सवालों के जवाब सर्वोच्च न्यायालय ही तय कर सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हटाने के लिए संघीय कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बाद आर्टिकल 373 में जो वर्णन किया गया, उसके बाद राष्ट्रपति इसको लोक अधिसूचना द्वारा J&K की जो संविधान सभा की अनुमति से हटा सकता है, और संविधान सभा की जगह अब विधानसभा को संविधान सभा का दर्जा संविधान सभा के बराबर दर्जा दिया गया या नहीं दिया गया इसके बारे में डिसाइड करने का कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आर्टिकल 370। इसकी पहले हमने डिस्कस किया इसकी हिस्ट्री और इसके क्या क्या प्रावधान है और इसको हटाने के प्रावधान के बारे में 373 में बताया गया है, और इसके जो इसमें क्या क्या प्रावधान है और कैसे लागू किया गया इसके बारे में हिस्ट्री भी हमने पहले डिस्कस की। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।